नमस्कार एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर फाइन एंड डूइंग देयर वर्क प्रॉपरली। सो वी आर अगेन बैक टू आवर मैथ्स क्लास एंड वी आर लर्निंग चैप्टर 4, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। ओके, नाउ बिफोर दैट आई वॉन्ट टू टेल यू किड्स के हम पढ़ाई जब भी स्टार्ट करें, जैसे हम स्कूल में करते हैं, यू नो ऑल कि हम बिफोर वी आर स्टार्टिंग आवर सब्जेक्ट हम क्या करते हैं? यस, गायत्री मंत्र। सो जॉइन योर हैंड्स, बैक स्ट्रेट एंड स्टार्ट गायत्री मंत्र। रेडी? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नाउ रब योर हैंड्स and palm on your eyes. Now open your eyes. Yes. So, feeling fresh. Now we are going to learn a chapter. Let's see. Open page number 88. Before that, we have completed page number 87, exercise 1, page number 87. And today we are going to learn page number 88. Here is your page number 88. Okay. And here you will write classwork and date. Let's write. Today's date is 23/6/2020. And CW. Okay. In CW we are just understanding. जैसे मैंने किया है वो सेम आपको करना है. Okay. The process I will explain. मैं आपको method समझाऊंगी, process समझाऊंगी and फिर वो आपको घर पे करना है. So let's start. Look at the figure given below. See, जब भी हम chapter start करते हैं there is always a heading given. So Everyone should read the heading. Heading पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या करना है. ओके, सो स्टार्ट रीडिंग. लुक एट द फिगर गिवन बिलो. ड्रॉ द सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ईच बॉक्स. राइट द मल्टीप्लीकेशन सेंटेंस. नाउ सी क्या करना है हमें. लुक एट द फिगर. फिगर मीन्स ये पिक्चर जो दिया है उसको देखो. लुक एट, ड्रॉ, आपको ड्रॉ करना है क्या सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ये जो ऑब्जेक्ट्स है वो सेम नंबर आपको इसमें ड्रॉ करना है. ओके, ड्रॉ द सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ईच बॉक्स. ईच मतलब हर एक बॉक्स में आपको ड्रॉइंग करनी है. देन रीड द सॉरी राइट द मल्टीप्लीकेशन सेंटेंस. आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन सेंटेंस लिखना है. जैसे हम एडिशन सेंटेंस लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन सेंटेंस, वैसे मल्टीप्लीकेशन सेंटेंस भी होता है. वी हैव डन इन लास्ट क्लास. तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन सेंटेंस लिखना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आई विल डू वन फॉर यू. सी हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर, फोर. सो वी विल ड्रॉ फोर स्क्वायर टाइप बॉक्स, है ना, स्मॉल स्मॉल स्क्वायर बनाना है आपको. डन लाइक दिस. सब में फोर फोर. ओके, सब में फोर फोर ड्रॉ किया. नाउ वी हैव टू राइट. ईच वन हैज फोर, सो राइट डाउन फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर. ओके, नाउ व्हाट विल बी द मल्टीप्लीकेशन सेंटेंस. काउंट हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर. फर्स्ट हम ग्रुप्स लिखते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. यानी कि यहाँ पे कितने हैं टोटल, सिक्स है. सिक्स, नाउ सिक्स के अंदर कितने हैं, वन टू थ्री फोर. इन ईच बॉक्स दे आर फोर, सिक्स फोर ट्वेंटी फोर. आई होप यू हैव लर्न द टेबल
आई हैव गिवन यू होमवर्क 5 and 6. अगर आपको टेबल लर्न होगा तो यू विल नो द आंसर, है ना. सो यू विल डू लाइक दिस. ओके, 6 4 जा आप देख लो पहले कितने ग्रुप्स है वो पहले लिखो, देन ग्रुप में कितना कितना है, 4. राइट दिस एंड 6 4 जा 24. वी कैन ऑल्सो राइट 4 6 जा आंसर विल बी सेम. जैसे एडिशन फैक्ट में भी ऐसा ही होता है. एडिशन सेंटेंस में क्या था, 4 + 2 या 2 + 4, आंसर विल बी सेम. इन दिस ऑल्सो आंसर विल बी सेम, 6 4 जा और 4 6 जा, इट विल कम सेम. ओके, नाउ नेक्स्ट बी विल बी योर होमवर्क. होमवर्क मीन्स यू हैव टू डू योर सेल्फ. जैसे ये मैंने आपको बताया वैसे आपको करना है, और ये आप बताओगे कैसा करना है. ओके, एंड देन आई विल चेक योर नोटबुक टेक्स्ट बुक आपने राइट किया या रॉन्ग. ओके, सो दिस विल बी योर होमवर्क, दैट मीन्स यू हैव टू डू योर सेल्फ. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. रिया हैज 8 प्लेट्स. रिया हैज 8 प्लेट्स. फर्स्ट व्हाट विल डू, पहले हम पूरा पढ़ेंगे देन ब्रेक करके फुल स्टॉप जहाँ जाए. ओके, सो रिया हैज 8 प्लेट्स. देयर आर 2 इडलीज ऑन ईच प्लेट. हाउ मेनी इडलीज आर देयर इन ऑल. अब सी एक एक करके पढ़ो एक सेंटेंस. रिया हैज 8 प्लेट्स. रिया के पास 8 प्लेट्स है. देयर आर 2 इडलीज ऑन ईच प्लेट. हर एक प्लेट में 2 2 इडली है. सी यू कैन सी द इडलीज. नाउ थर्ड वन, हाउ मेनी इडलीज आर देयर इन ऑल. नाउ दे आस्किंग कि टोटल इडलीज कितने हैं. सेम सी जैसे हमने ऊपर किया था 4 प्लस, यहाँ पे उन्होंने लिख दिया 2 + 2 2, लाइक दिस. नाउ वी विल काउंट 1 2, यू नो दिस हाउ मेनी प्लेट्स, 8 प्लेट्स एंड 2 इडलीज. सो इफ यू विल काउंट, सी वी विल काउंट 2 + 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. और else हम काउंट करेंगे 2 + 2 या फिर 8 2 जा 16. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 16 लिखो, जैसे हमने एडिंग किया इसलिए. ओके, नाउ हाउ मेनी ग्रुप्स मीन्स कितनी प्लेट्स हैं. 8 ग्रुप्स ऑफ 2 इडलीज, दैट इज 8 2 जा 16. 8 2 = 16. सेम ईयर 8 2 जा 16. सो या वॉट विल बी द आंसर, दे आर 16 इडलीज. आप अगर प्लस करोगे देन ऑल्सो यू विल गेट सेम आंसर. यू विल मल्टीप्लाई यू विल गेट सेम आंसर, क्योंकि ये रिपीटेड मीन्स सब में इक्वल, दिस आर सेम ग्रुपिंग हमने किया था. अगर सेम है सब में 2 2 2 है, देन वी विल डू मल्टीप्लीकेशन. सो लेट्स मूव टू नंबर 6. आई विल ओनली रीड फॉर यू, यू हैव टू डू योर सेल्फ. सो ये आपको अपने आप करना है. सो वॉट इज दिस, देर आर 9 bunches ऑफ चेरीज. Each bunch has 3 cherries. How many cherries are there in all? Now एक एक करके sentence पढ़े. There are 9 bunches of cherries. कितने bunches है total? 9. Each bunch मतलब एक एक bunch में 3 3 cherries है. How many cherries are there in all? जैसे हमने ऊपर किया same way you have to do this. पहले addition कर लेना. Then you will write here कितने groups है कितने cherries है, and this way you will get your answer. Same यहाँ पर answer आपको लिखना है कितनी cherries आपको मिली. You will write here. Okay, so this will be your homework. Page number 88. Now let's move to page number 89. Now what is this? Multiplication tables. Now table of 6. See what they are doing. 6. 1 6 है यहाँ पे, तो 1 6 जा 6. यहाँ पे 2 6, तो 2 6 जा 12. यहाँ पे हाउ मेनी 6? 1 2 3 6. 3 6 जा 18. देन दे आर गोइंग ऑन 4 6 जा 5 6 जा
six six are, this is a table of six. How you will learn? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, they are just showing you कि why this is 1 6, मतलब 1 6 कितना होता है, then 2 बार 6 आएगा, तो कितना होता है, okay, so this is the table of 6, we have already learned, I think, because it was your homework, so now you will learn table of 7, same यहाँ पे देखो, 1 7 है, 1 7 जा 7, 2 times 7 है, 2 7 is 14, 3 times 7 है, 3 7 is 21, 4 times 7, 4 7 is 28. So, there is 2 homework for you, 1 is page number 88 and next homework is table of 7 in your 3B notebook. Okay, that's much for today. Learn your tables at home and table jab bhi learn karo, jo pehle karwaya table, wo pehle learn karna hai. एंड देन टूडेज होमवर्क लिखना है और लर्न करना है. इट मीन्स आपको यू हैव टू लर्न टेबल ऑफ 5, 6 एंड 7 एंड लिखना है ओनली 7 टेबल. ओके, दिस मच फॉर टूडे. होप यू इंजॉय योर लर्निंग मैथ्स विथ टेबल्स. ओके, सो बाय बाय, टेक केयर.